छत्तीसगढ़ मातारी की, दंतेश्वरी माता की, दंतेश्वरी माता की, शीतला माता की, शीतला माता की, बूढ़ा देव महाराज की, बूढ़ा देव महादेव की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के डोगरगांव विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री भरत वर्मा जी, कुंजी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती गीता घासी साहू जी, पूर्व सांसद श्री प्रदीप गांधी जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री दिनेश गांधी जी, पूर्व विधायक श्री खेदूराम साहू जी, विधानसभा प्रभारी डोगरगांव श्री शिव चंडाकर जी, चुनाव संचालक डोगरगांव श्री नीरू शर्मा जी, चुनाव के सहसंयोजक श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष श्री राम कुमार गुप्ता जी, बोधीराम साहू जी, वरिष्ठ नेता पवन जैन जी, स्वरूप चंद जैन जी, धनराज ठाकुर जी, श्रीमती जागृति यदु जी, श्रीमती इंदुमती साहू जी, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा झारखंड से यहां पर उपस्थित सनोज बावली नेताम जी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, डोगरगांव और कुज्जी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए छत्तीसगढ़ की धरती एक ननिहाल जैसा है। याद करना, माता कौशल्या की जन्मभूमि है छत्तीसगढ़, भगवान राम की ननिहाल है, और अयोध्या में भगवान का मंदिर बन रहा है। जनवरी में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से श्री राम मंदिर में भगवान विराजमान होंगे और उत्सव छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, इस दृष्टि आपका आह्वान पत्र दिया है। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ अपनी संपदा के कारण, प्राकृतिक संपदा, वन का, खनिज का, उर्वरा भूमि का, जल संसाधनों का, यह दुनिया के समृद्धतम क्षेत्रों में है। लेकिन समृद्ध भूमि कांग्रेस नेतृत्व की 5 साल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बदहाल कर दिया है। भैया बहनों, कैसे योजनाओं से वंचित करने का पाप कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने किया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र होता है ये झूठ का एक पुलिंदा होता है, कोई काम वह सच नहीं कर सकती। कांग्रेस स्वयं देश के लिए एक समस्या है। आतंकवाद की समस्या कांग्रेस की देन, नक्सलवाद की समस्या कांग्रेस की देन, अराजकता कांग्रेस की देन, भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन,
और गरीब के मुंह से निवाला छीनना भी एक कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस लगातार पूरे देश के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर भी अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का कारण बनी है। 5 वर्ष पहले जिस विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ वासियों ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी, कांग्रेस ने उसको परिवारवाद और भ्रष्टाचार का शिकार बना दिया। आज उसी का परिणाम है कि विकास से कोसों दूर लगातार छत्तीसगढ़ जाता रहा है। भाइयों बहनों, आज यहां पर किसान को समय पर बोनस नहीं मिल पाता है। यहां पर तेंदूपत्ता के किसानों के लिए जो डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने व्यवस्थाएं की थी, सब्सिडी और बोनस दिया था, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने वो बंद कर दिया। अन्नदाता किसानों का शोषण किस हद तक, 1300 करोड़ रुपए का गोबर घोटाला कर दिया इन लोगों ने। याद करिए, गोबर घोटाला एक बिहार में हुआ था चारा घोटाला, अब छत्तीसगढ़ में हो गया गोबर घोटाला। यानी बिहार से कांग्रेस के साथ लालू जी का गठबंधन ऐसा हुआ कि वह चारा गोबर में बदल करके उन्होंने यहां के किसानों का के हिस्से का 1300 करोड़ भी टकर दिया। एक नया घोटाला आ रहा है, महादेव ऐप के नाम पर 10 लाख लोगों के पैसे को हड़पने का। यानी ये एक एक कांग्रेस के भ्रष्टाचार की परत खुलती जा रही है और इनका वास्तविक रूप सामने आ रहा है। और इसीलिए मैं आपको अवगत कराने के लिए आया हूं, राम राज्य का मतलब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब, हर गांव, हर किसान, हर नौजवान, हर वंचित, हर दलित, हर आदिवासी समाज के हर तबके को बिना भेदभाव के उपलब्ध करवा देना। और यही उपलब्ध कराने के लिए तो मोदी जी ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर परिश्रम दिया, यही कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, 5 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश में 55 लाख गरीबों को एक एक आवास दे दिया, 55 लाख गरीबों को। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो 16 लाख आवास यहां के गरीबों के लिए मोदी जी ने भेजे थे, वह कांग्रेस नेतृत्व की भूपेश बघेल जी की सरकार ने, भाइयों बहनों, उस आवास को भी हड़प दिया है, नहीं बनने दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा आवास भेजा गया था, आवास मिला क्या? आवास मिला? नहीं मिला। हम आए हैं कहने के लिए 16 नहीं 18 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध करवाएंगे। हर घर नल की योजना के लिए पैसा दिया है। क्या यहां पर हर घर नल योजना लागू हो गई क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा तो इन्होंने दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया है। गरीब को शुद्ध पेयजल मिले, एक कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा ही नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस नहीं चाहती है, वे केवल वायदे पर विश्वास करते हैं, वायदा पर वायदा। जैसे एक फिल्म आई थी ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हम लोगों को कहते थे पहले लोग की भाजपा के लोग कहते तो हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और फिर कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन हमने तो सत्ता में आए, केंद्र में मोदी जी आए, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, हम लोगों ने जो कहा सो करके दिखा दिया। मंदिर भी बना रहे हैं और अब तारीख भी बता रहे हैं कि 22 जनवरी को रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। लेकिन एक कांग्रेस है कि इनकी तारीख ही नहीं आती है।
इनकी तारीख ही नहीं आती है। और इनके यहां तो हर यहां का गरीब और वंचित कह रहा है, जो बेघर है, गरीब है, वह बेबस है इस बात के लिए कि उसे आवास की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। और लोग यही पूछ रहे हैं यहां पर कि हमन लो तो नहीं मिलिस, आप लोग मिलिस का, यही तो पूछ रही है ना यहां की जनता। नहीं मिला गरीब को, कोई योजना का लाभ नहीं देना चाहती यहां की सरकार। किसान का बोनस हड़प जा रही है, किसान का खाद हड़प जा रही है, किसान का बीज हड़प जा रही है, किसान के स्वास्थ्य बीमा का कवर हड़प जा रही है, हर घर नल योजना को हड़प जा रही है। और योजना वही जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने चलाई थी, याद करिए, सबसे पहले देश में 1 रुपया किलो चावल छत्तीसगढ़ के बंधुओं को प्राप्त हुआ था। और मोदी जी तो कोरोना काल खंड में भी आपके साथ खड़े रहे। याद करिए, जब पूरी दुनिया अस्त व्यस्त थी, त्रस्त थी, अपनी स्वयं की जान के लाने के लिए तड़प रही थी, तब मोदी जी दुनिया के एकमात्र नेता थे जो अपने देश को बचाने के लिए, देश की जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए थे। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन। अभी भी राशन मिल रहा है ना, मिल रहा है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिल रहा है, केवल भारत में मिल रहा है 80 करोड़ गरीबों को राशन। और फ्री में वैक्सीन भी, वैक्सीन मिला ना, वैक्सीन मोदी जी ने ऐसी पुख्ता व्यवस्था कर दी कि वह हर गरीब को बिना भेदभाव के मिल जाए। हमने जाति नहीं देखी, किसी की पाती नहीं देखी, किसी का मत नहीं देखा, किसी का मजहब नहीं देखा। योजनाओं का लाभ सबको समान रूप से, भेदभाव किसी के साथ नहीं, लेकिन गुंडागिरी और अराजकता भी किसी की बर्दाश्त नहीं, तुष्टिकरण भी किसी के नहीं। और यही कारण था 220 करोड़ वैक्सीन की डोज देश के अंदर फ्री में देने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश था। कोरोना भारत के अंदर पूरी तरह समाप्त, कोरोना समाप्त हो गया ना, कोरोना का भय तो नहीं है ना। अगर कोरोना का भय होता भाइयों बहनों, हम इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी सभा में यहां एकत्र हो ही नहीं पाते। हो पाते क्या? ये मोदी जी की देन है, उन्होंने देश को बचाया है, जनता जनार्दन को बचाया है। इन कांग्रेसियों का चलता तो सारा का सारा जितना भी वैक्सीन का पैसा था इसको भी इटली की तरफ डाइवर्ट कर देते ना। और यही कारण है कांग्रेस की सरकार आती है, मनमड़ उच्चकों का, सौदे किस्म के उपद्रवियों का दुस्साहस बढ़ जाता है, धर्मांतरण बढ़ जाता है। कांग्रेस तो छतों बेस में उन लोगों को अब वनवासी और आदिवासी के नाम पे चुनाव लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रही है। और इसीलिए आपको सावधान करने के लिए आए हैं। ये भगवान राम ने वनवास के समय इसी धरती पे सर्वाधिक समय व्यतीत किया था, और यहीं पर उन्होंने घोषणा की थी, निश्चर ही न करो मही बुझ उठाए प्रण की। उन्होंने कहा था कि जब तक इस धरती से राक्षसों को समाप्त नहीं कर दूंगा, मेरा यह संकल्प होगा कि मैं इस धरती को छोड़ूंगा नहीं। और भाइयों बहनों, आज आप सबका संकल्प होना चाहिए। जो भ्रष्टाचारी है, जो अराजकतावादी है, जो गरीब का निवाला छीन लेता है, गरीब के अधिकार को डकैती डालने का काम करता है, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करता है, वह किसी राक्षस से कम नहीं है। और उस राक्षस को हटाने के लिए हम सबका संकल्प होना चाहिए, एक ही संकल्प होना चाहिए। और संकल्प होना चाहिए भाइयों, हमारा जो संकल्प आज छत्तीसगढ़ वासियों का बन रहा है,